हेलो, हाय। आज मैं आपसे एक इतने इंटरेस्टिंग डिश के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो मतलब मुझे कितना भी पिला दो पिलाना ही बोल सकती हूँ मैं, बिकॉज़ है ही वो कुछ ऐसी। जितने लोग भी यूपी से हैं, बिहार से हैं, उस साइड से हैं, उन सब ने ये खाया होगा। इसके बिना ना कोई फंक्शन पूरा होता है, इसके बिना ना कोई त्यौहार पूरा होता है। और देखो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है सोच के भी। और मुझे लगता है मोस्टली सब बच्चों का तो फेवरेट होता ही होता है, फॉर श्योर। एंड मतलब मैं तो कहीं, अगर मेरे लिए कुछ खाने पीने का इनविटेशन कहीं से आता तो मैं तो पूछ लेती थी, भाई ये बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। और उस डिश का नाम है, मुंह में पानी आ गया मेरे, कब से नहीं खाया यार मैंने, मट्ठे के आलू। बहुत सिंपल बनते हैं, बहुत सिंपल। आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मट्ठा चाहिए और आलू चाहिए। और कहते हैं ना, जिसके हाथ में स्वाद होता है वो बहुत 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 अच्छा बना सकता है। तो मुझे याद है, अगर मैं कहीं किसी दावत पे चली गई और अगर वहाँ पे मट्ठे के आलू हैं, तो मुझे कुछ नहीं देखना, कोई चीज़ नहीं देखनी, मैं बस एक एक सर्विंग ली, फिर दूसरी सर्विंग ली, फिर तीसरी सर्विंग ली। ओहो, और अगर बुफे नहीं है, और अगर ऐसा है कि जहाँ पे आप बैठे हो और आपको कोई सर्व करेगा, तो मतलब मुझे मांगने में शर्म नहीं आती थी, लेकिन बेचारा सर्व करने वाला मुझे फाइनली कह देता था ख़त्म हो गए। और मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मुझे मालूम है ख़त्म नहीं हुई, बस मुझे अब देना नहीं चाहता। तो क्योंकि एक तो मठे के आलू ऊपर से इतना बढ़िया स्वाद वाले, पेट नहीं भरता था, पी जाती थी मैं तो सब्जी के सब्जी, कटोरे के कटोरे। और अभी भी जब मैं घर जाती हूँ तो जितने भी दिन मैं रुकती हूँ, 1 दिन, 2 दिन, 3 4 दिन, व्हाटएवर, मठे के आलू तो 100% बनते हैं। माई फेवरेट मठे के आलू। मुझे बताओ, वट इज़ योर डिश? मतलब आपके घर में ऐसा क्या बनता है जो आप कहते ना, रात में सोते समय भी आपको उठा देंगे, बोलेंगे चलो बन रहा है तो आप खा लोगे। मेरा है ये सीन, मैं अगर सो रही हूँ और मुझे कुछ सोते हुए कह दे या उठो मठा खा लूँ, तो मैं एक्चुअली उठ के बैठ जाऊँगी और मैं खाने लगूंगी, और खाने के बाद मैं फिर सो जाऊँगी। तो ऐसी कोई डिश आई एम श्योर आपके यहाँ भी होती होगी, जो जो आपको लगता होगा कि बस अभी मिल जाए तो मैं खा लूँ, खत्म कर दूँ, पी जाऊँ। बाय।